गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञा की रसोई। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं खिचड़ी। तो ये है हमारे पास लहसुन, यहाँ पे है प्याज और यहाँ पे मैंने चावल और मूंग की दाल है, ये देखिए। तो चावल और मूंग की दाल को धोकर भिगा कर रख दिया है। तो इसकी मैं खिचड़ी बनाऊंगी और यकीन मानिए दोस्तों, इतना टेस्टी लगता है कि आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। और बहुत ही सिंपल सा रहता है और हल्का रहता है, तो मूंग की दाल है तो इसलिए आप ज़रूर बनाकर देखें। और आप जैसे पुलाव खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, उससे भी टेस्टी ये लगता है, तो इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, देखिए गाजर है और शिमला मिर्च है और प्याज, लहसुन, कच्ची मिर्च डालना है। तो कच्ची मिर्च मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं यहाँ पे अभी कच्ची मिर्च नहीं डाली हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे शिमला मिर्च भी कट कर देते हैं। तो थोड़ा सा शिमला मिर्च भी डाल देती हूँ मैं, तो बहुत ही टेस्टी लगता है, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिए। ऐसा नहीं है कि जो बीमार होता है वही खाएगा, मटर भी डालो तो बनी, बीमार होता है वही खाता है। तो आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, और अगर इतनी सब्जियां डालेंगे तो भी बहुत ही टेस्टी बनता है। और एक टमाटर डाल दूंगी मैं। तो चलिए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत झटपट बनता है, इसे ज़्यादा भुनने का, तलने का, ये सब का जरूरत नहीं रहता है। थोड़ा सा घी डाल देना है, थोड़ा सा ऑयल। तो चलिए फिर हम बनाते हैं फटाफट, बहुत ही टेस्टी यम्मी बनता है, आप भी ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पर मेरे पास कच्ची मिर्च नहीं है, तो मैं एक दो सूखी मिर्च डाल दूंगी। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं फ्रोजन मटर है मेरे पास, तो मैं फ्रोजन मटर को ऐड कर दूंगी। तो बहुत ही टेस्टी सा रेसिपी बनने वाला है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो सबसे पहले हम कुकर ले लेंगे, तो कुकर को चढ़ा लेते हैं। तो ये है हमारे पास वेजिटेबल्स, लहसुन है, मिर्च है, प्याज है और यहाँ पे टमाटर है, शिमला मिर्च है, फ्रोजन मटर है और गाजर है। आप गोभी और कुछ कुछ वेजिटेबल्स और डालना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम डाल देंगे, थोड़ा सा पहले घी डालूंगी मैं। तो आप थोड़ा सा घी जरूर डालें, मैंने यहाँ पर एक चम्मच घी डाला है और गरम करने के लिए इसे चालू कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल भी डालूंगी, तो घी और ऑयल हम दोनों डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल यहाँ पर कड़क चुका है। तो यहाँ पर हम डालेंगे सबसे पहले हमारी चिली, तो ड्राई चिली है, आप ग्रीन चिली डालिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है, ग्रीन चिली से और ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहीं पे मैं डाल दूंगी लहसुन, तो लहसुन मैंने कूट कर रखा है। और यहीं पे हम डाल देंगे प्याज और थोड़ा सा सुनहरा होने देते हैं, फिर हम अपने वेजिटेबल्स को डाल देंगे। तो इसे मिक्स कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये भून रहा है अच्छी तरीके से, तो ये भून चुका है। तो यहीं पे मैं डालूंगी अपने वेजिटेबल्स, तो मैं टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च और मटर एक साथ ही ऐड कर दूंगी। तो इसको बड़े हों चाहे बच्चे हों, सारे लोग बहुत पसंद करते हैं मेरे यहाँ, तो ज़रूर आप भी ट्राई करके देखिएगा। और साथ में खाने के लिए मैंने यहाँ पर मिनी पापड़ थे मेरे पास, तो ये मैंने तल लिए हैं मेरे लिए। तो पापड़ का कॉम्बिनेशन अचार का बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए हमारा वेजिटेबल भुन रहा है, थोड़े देर भुनना पड़ेगा इसे, ज़्यादा देर नहीं भुनेंगे और बिल्कुल 15 मिनट में बन जाएगा आपका ये। यहीं पे मैं नमक भी ऐड कर देती हूँ और हल्दी भी, तो हल्दी हम डाल देते हैं, ये हमने डाला हाफ चम्मच हल्दी। और यहीं पे मैं नमक भी ऐड कर देती हूँ,
तो नमक हम थोड़ा, खिचड़ी में पानी ज़्यादा डलता है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक डालेंगे। और ये देखिए इस तरह से ये भून रहा है, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है इसे, आपको कम भूनेंगे तो भी ये जब सीटी आएगा तो अपने आप ही पक जाएगा, तो उसके हिसाब से भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी मूंग की दाल और आधा से थोड़ा ऊपर चावल लिया था, दोनों को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और इसे भी भून लूँगी थोड़ी देर, फिर पानी ऐड कर देंगे इसमें। तो वेजिटेबल्स के साथ हर हल्का सा भून लेते हैं इसे। यहाँ पर मैंने चावल को अच्छी तरह से भून लिया और पानी ऐड कर दिया है उसमें, ये देख सकते हैं आप। तो और पानी डालना पड़ेगा यहाँ पर, तो मैं और पानी ऐड कर देती हूँ। अब इसे हम ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं, तो इसे 5 से 6 सीटी आने देंगे, उसके बाद हमारा जो खिचड़ी है वो बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही यम्मी लगता है ये खिचड़ी। आप भी ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर इसे हम विसल आने के लिए छोड़ देते हैं। कुकर को मैं बंद कर लेती हूँ। और इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं हम। तो इसे अब इसे हम बंद कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारी खिचड़ी कैसी बनी हुई है। और बहुत ही लजीज सी खुशबू आ रही है, तो आपको इसका अभी खोल कर दिखाएंगे कि कैसे लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है, ये रही हमारी खिचड़ी और ये रही हमारी प्लेट। तो हमारी प्लेट में है, यहाँ पे है पापड़, यहाँ पे आम है, यहाँ पर रखा हुआ है